हाय फ्रेंड्स, आई एम कुमुद एंड यू आर वाचिंग कुमुदनीज होम गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसी 10 सब्जियों के बारे में बातें करेंगे जिनको कि आप किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, आराम से लग जाती हैं और उनको कैसे लगाना है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बहुत सिंपल तरीके हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं और होम गार्डनिंग के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो ये देखिए, कुछ मेरे ये हार्वेस्टिंग्स हैं जो समय समय पर मैं लेती रहती हूँ इस टाइप की। तो ये सब सब्जियाँ बहुत आराम से लगती हैं और चलिए फिर देखते हैं वो कौन सी 10 सब्जियाँ हैं जो कि बहुत आराम से लगती हैं और होम गार्डनिंग में आप उनको कभी भी लगा सकते हैं। इन सभी को आप बीज से भी तैयार कर सकते हैं। बीज लगा लीजिए टाइम पर, उसको बीजों को जर्मिनेट होने में कम से कम 10-15 दिन तो लग ही जाते हैं और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है तो आप बाज़ार से भी इनकी पौध खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये 10 सब्जियों को मैनेज कर लेते हैं अपने किचन गार्डन में तो हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ सब्जियां अपने गार्डन से मिलती रहेंगी। ये ऐसी सब्जियां हैं जो कि कॉमन हैं और हर घर में आराम से लग जाती हैं। ये कुछ हार्वेस्टिंग है जो मैंने आपको दिखाई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वो 10 सब्जियां जो कि आप हमेशा अपने गार्डन में लगा कर रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है बैंगन का पौधा। बैंगन की सब्जी जो है आप साल में कभी भी लगा सकते हैं। इसको बीज से लगा लीजिए या पौध से लगा लीजिए। पौध आप खरीद लीजिए और बीजों को अगर आप लगाएंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगता है और कभी कभी कुछ बीज जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो बेटर ये है कि आप उसकी जो पौध है वो खरीद लें और उसको लगाएं, तो वो जो बैंगन के पौधे हैं वो 20-25 दिन में अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं और फिर जल्दी ही फ्रूटिंग पे भी आ जाते हैं। ये पूरे प्रोसेस में 2-2.5 महीने से 3 महीने तक लग जाते हैं। फिर बस आप आइए अच्छी अच्छी हार्वेस्टिंग अपने गार्डन से। नेक्स्ट है हमारा टमाटर का पौधा। ये टोमेटोज़ के जो प्लांट्स हैं ये भी सीड से आराम से लग जाते हैं। बाज़ार से कोई भी आप टमाटर का फल लेके आते हैं, खूब अच्छा पका हुआ हो जो आपको उगाना हो तो उसको और अच्छे से पका लें, उसके बीज उसमें अच्छे से जो है पक जाएंगे, फिर आप उनको लगाएं तो आपके पौधे भी बन जाएंगे। बारिश के मौसम में बस आपको ध्यान रखना है कि बीजों को अगर आप उगाएं तो उन्हें सीलिंग के नीचे ही उगाएं, थोड़ा सा अंधेरे में रखें और जब पौधा आपका निकल आए, जब जर्मिनेशन हो जाए तब उसको बाहर की तरफ लेकर आए। ये देखिए, ये मैंने नई पौध तैयार कर रही हूँ मैं और ये चेरी टोमेटोज़ के प्लांट्स हैं। ये बिल्कुल अब तैयार हैं, ऑलमोस्ट मे बी जस्ट 2-3 मोर डेज एंड इट विल कम आउट विद इट्स ट्रू लीव्स। जो ऊपर की जो 4-5 पत्तियाँ होती हैं उनके साथ जब ये आ जाएंगे तभी इनको रीप्लांट किया जाएगा। तो इसी तरीके से, और ये सब जो है टमाटर से मैंने बीज निकाल कर और तब उगाए हुए हैं, तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। और जब प्लांट्स थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएं, पौधा आपकी कम से कम 3-4 इंच की हो जाए, तब आप उसको प्रॉपर गमले में 12 इंच के गमले में लगा दीजिए और फिर आपके ये टमाटर का पौधा चल पड़ेगा और फ्रूटिंग पे आ जाएगा। पालक भी आप हर मौसम में लगा सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि जब लगाएं तो बारिश का पानी उसके ऊपर ना पड़े, नहीं तो आपके बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। तो सीलिंग के नीचे ही बीजों को लगाएं, तब वो जर्मिनेट हो जाएं, तब उनको बाहर की तरफ लेकर आएं। इस समय जो पालक है वो आप बैल्कनीज में, वरांडा में या सीलिंग के नीचे लगाएं, बाहर की तरफ रखें जहाँ पे की छत भी हो और उसको बारिश का पानी भी ना लगे। बाकी मौसम में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगाइए। फिर देखिए, ये आता है हमारा चिली का प्लांट। ये भी आप अपने घर की उगी हुई चिली से ऐसे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं और ये पूरा साल आपको मिर्ची के फल इसमें मिलते रहते हैं। बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसके बीज आप कहीं पे लगाइए। अभी मौसम में ऐसा है कि सीलिंग के नीचे ही अपने बीजों को उगाइए। ये देखिए, इस तरह की जब मिर्ची पक जाती है अच्छे से, पिलपिली थोड़ी हो जाए तो उसके बीज जो है अंदर तैयार हो चुके होते हैं। बस इन्हीं को निकाल कर थोड़ा साफ़ करके, थोड़ा और ड्राई करके आप इनको लगा देंगे तो ये इसके छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे और आप इनको उगा सकते हैं। इसी तरह से शिमला मिर्च के पौधे भी आप बना सकते हैं और रेड शिमला मिर्च या रेड पेपर जो प्लांट्स होते हैं उनको भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भिंडी का प्लांट, ओकरा। इसके भी आप जो सीड्स हैं मोटे मोटे होते हैं आप इस टाइम कहीं भी लगा सकते हैं
और इसको भी आप सीलिंग के नीचे ही रखें बरसातों में, और इसके भी पौधे बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स, और ये बड़ी जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाती है। इसमें ये देखिए, ये मेरा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। ये मैंने करीब 10-15 दिन पहले लगाया था, तो अब मेरा पहला बैच भी चल रहा है जिसमें कि खूब भिंडी आ रही हैं, और ये दूसरा बैच भी तैयार है। एक ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, तो इसी तरीके से ये सारे साल आप उगा सकते हैं। उसी तरह से ये सलाद के पत्ते हैं फ्रेंड्स, इनको भी आप पूरे साल उगा सकते हैं। ये बीज से उगता है, इसके बीजों को जब आप उगाएं तो उनको छत के नीचे रखें, थोड़ा डार्क और शेडी प्लेस में रखें। जब छोटे छोटे पौधे निकल आएँ तभी आप उनको ट्रांसप्लांट करके इनकी सैलेड के प्लांट्स बनाएं। तो ये भी पूरे साल चलता है, बस आपको थोड़ा टेम्परेचर का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि बारिश इसके ऊपर सीधी ना गिरे, नहीं तो इसके बीज नहीं उगेंगे और पौधे नहीं बनेंगे। फिर है करेला। करेला भी आप पूरे साल उगा सकते हैं, और ये बीज से घर के ही जो करेला पक जाए पेड़ के ऊपर, बस उसी के बीज निकाल कर आपने लगा देना है। ये देखिए, मैं इस तरीके से प्लांट तैयार करते रहती हूँ। जो फल पक जाता है करेले का अच्छे से, और प्लांट के ऊपर ही पके, बेल के ऊपर पकेगा तभी इसमें ताकत अच्छे से आएगी। तो इस टाइप के जो आपके पके हुए करेले बेल के ऊपर होते हैं, बस उन्हीं को निकाल लें और उनको लगा दें, तो आपके पौधे इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। और जब ये छोटी छोटी जो पौध हैं ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएं, तब आप इनको गमले में प्रॉपरली, कम से कम 10 इंच का गमला इस टाइप से होना चाहिए ग्रो बैग का। अगर आप मिट्टी का लेते हैं तो वो तो फिर कम से कम आपका 15-16 इंच का होना चाहिए। वैसे छत के ऊपर जो ये ग्रो बैग हैं यही अच्छे चलते हैं, बस इनको ट्रांसप्लांट कर लें और 2-2.5 महीने में ये अच्छे से फ्रूटिंग पे आ जाते हैं। फिर है लौकी। लौकी को आप डायरेक्टली आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं मिट्टी तैयार करके, और उसको थोड़ा अंधेरे की साइड में, थोड़ा डार्क प्लेस में, शेडी प्लेस में गमले को खिसका दें। जब उसका पौधा थोड़ा सा अच्छा बन जाए 4-5 इंच का, तब उसको आप धूप में लगाएं और उसको ट्रेलिस दे दें अच्छी सी, और उसमें आप पाएंगे खूब सारी बढ़िया बढ़िया लौकी। तो ये लौकी के जो पौधे हैं, इनके लिए उगाने के लिए आप टेम्परेचर का और ध्यान रखें, और बारिश का पानी सीधा ना पड़े इसका भी ध्यान रखें। खीरा भी आप समय समय पर लगा सकते हैं। ये जो हाइब्रिड खीरे के प्लांट्स हैं, ये 4-5 खीरे देकर फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जब एक पौधा आपका काफ़ी बड़ा हो जाए तो दूसरे पौधे की तैयारी कर लीजिए। तो इसी तरीके से आप ये बीजों को डायरेक्टली मिट्टी में लगा सकते हैं, वहीं पे बेलें बड़े हो जाती हैं और खीरे आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। कभी कभी इसकी पौध बाज़ार में मिल जाती है, लेकिन अधिकतर समय नहीं मिलती है। तो आप बीज से इसको उगाना सीख लीजिए और इसको आप पूरे साल उगा सकते हैं, बस थोड़ा सा टेम्परेचर का और बारिश के पानी का ध्यान रखें। इसी तरह मूली भी आप उगा सकते हैं। इस समय छोटी वाली मूली सही रहेगी, उसको आप उगाने के लिए छत के नीचे ही उगाएँ, जिससे कि उसके पौधे ख़राब ना हों। तो फिर आता है हमारा बीन्स के पौधे। जो बीन्स हैं, आप घर के ही जो हमारे बीज होते हैं किचन से लेकर, आप उनको डायरेक्टली गमले में या मिट्टी में लगाकर उगा सकते हैं। उगाने के लिए आपको थोड़ा उसको ढकना पड़ेगा, जिससे कि बारिश का डायरेक्ट पानी उसके ऊपर ना जाए, और नहीं तो आप उनको छत के नीचे उगाइए। इसको बेल को फैलने में 2-3 महीने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद इसमें फलियां बननी शुरू होती हैं। तो ये भी आप समय समय पर लगाते रहिए। एक बेल जब ख़त्म होने वाली हो तभी आप दूसरे के सीड्स पहले ही डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप पूरे साल ही बीन्स का आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस कुछ बातों का ध्यान रखिए और बेफिक्र होकर सब्जियाँ लगाइए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।